हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज आपका वोकैब day 139 है, तो किसी ने पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख ले और अपने कॉपी पे निकाल लीजिए, वर्ड्स को लिखिए आप लोग, ठीक है ना। बार बार रिविजन कीजिए, इस वोकैब शो को हमेशा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक क्विज डिस्कस करते हैं जिससे आपका वर्ड आपका रिटेन होता है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यही कोर्स जो है, जो वोकैब का कोर्स है, आपको सिस्टमैटिक वे में mypaathshala.com में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वोकैब का जो कोर्स है और दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री है। और अगर कोई किसी को अगर पेड कोर्स अगर परचेज करना है स्पेशल गाइडेंस के लिए, तो दे कैन ऑल्सो परचेज बाय विजिटिंग द वेबसाइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो पहला वर्ड है हमारे पास, कमोशन इज द फर्स्ट वर्ड, कमोशन, ठीक है। यहाँ पे कमोशन नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। कैसा डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस हमेशा कैसा होता है, नॉइजी होता है, हमेशा तो नहीं खैर, लेकिन कमोशन के केस में डिस्टर्बेंस कैसा होता है, थोड़ा सा नॉइजी होता है और उसमें कन्फ्यूजन होता है कि लोगों को पता ही नहीं क्या करना है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ओके, एज यू कैन सी फाइट वाइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और लोग कन्फ्यूज हैं, इससे मारे कि इससे मारे, ठीक है, बचना है कि मारना है, किसी को कुछ नहीं पता। तो डैट इज कॉल्ड कमोशन, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। अब सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक तरह से जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, रकस, ठीक है, एक तरह से ये रकस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, राइट, रकस क्रिएट हो रहा है, या फिर टुमल्ट, क्योंकि टुमल्चुअस एक वर्ड है जिसमें क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी टुमल्चुअस, फाइन, तो टुमल्ट हो गया। क्लैमर, क्लैमर में भी क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी नॉइज होता है, क्लैमर, ठीक है। और क्लैमर वर्ड से आपका आता है क्लैमरस, टुमुल से आता है आपका टुमुलचुअस, ठीक है। रकस तो एक नाउन है ही, तो रकस टुमुल्ट हो गया एंड क्लैमर, ये क्या हो जाएंगे, सारे आपके सिनोनिम्स होंगे, करेक्ट। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर यहीं पे अगर लोग ऐसे मतलब लड़ाई झगड़ा ना करते हुए सब शांत से बैठे रहते, अगर यहाँ पे कामनेस होता, ओके, कि लोग शांत रहते, तो कामनेस एक तरह से एंटोनिम होता है यहाँ पे। अगर सब लोग अच्छे से डिस्कशन करते, बढ़िया से बैठे रहते, तो एक तरह से हारमोनी मेंटेन होता वहाँ पे, हारमोनी, या फिर एक तरह से ऑर्डर रहता। तो कामनेस, हारमोनी, ऑर्डर, दिस आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कमोशन। एंड द सेंटेंस इज वर्ड, आई वॉज डिस्टर्ब बाई कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट, ओके, स्ट्रीट में जो अभी मतलब काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके कारण मैं परेशान हूँ या फिर डिस्टर्ब हूँ, करेक्ट। तो एक कमोशन इज वर्ड, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, नॉइजी डिस्टर्बेंस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसका, रकस, टुमुल्ट यू कैन से, या फिर क्लैमर यू कैन से। एंटोनिम्स ऑफ वर्ड, कामनेस, हारमोनी एंड ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे फटाफट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फॉरबोर्ड करना, ओके। फॉरबोर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, अगर आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हो, टू फोरटेल, पहले ही आपने कुछ होने वाला, आपने पहले ही उसको बोल दिया आपने, ओके, टू फोरटेल, या फिर टू प्रेडिक्ट, है ना, या फिर ओमेन बनना। ओमेन मतलब क्या होता है, किसी साइन बनना ऑफ वार्निंग, ठीक है, वार्निंग कि ये गलत होने वाला है, ओके, कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आपने देखा होगा कभी कभी, ठीक है, मूवीज़ वगैरह में, सीरियल वगैरह में, तो ऐसे ही देखते हैं फ्यूचर, हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं, है ना, आई डोंट नो व्हाई, ओके, सो दिस इज़ हाउ दे सी फ्यूचर। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको देखने के बाद अगर कुछ बोल दे और कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, उसको बोलेंगे हम लोग फॉरबोर्ड करना, टू फॉरटेल, ओके, ठीक है, टेल है लेकिन पहले ही, फॉरटेल, प्रेडिक्ट करना एक तरह से, या फिर ओमेन बनना। एंड द सिनोनिम्स आर व्हाट, पोर्टेंट करना, वेरी गुड वर्ड, पोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, या फिर फोरकास्ट करना एक तरह से, चलो फोरकास्ट जब हम लोग कर, थोड़ा साइंटिफिक उसमें होता है कि हमने रेनफॉल होगा कि नहीं उसकी थोड़ी सी फोरकास्टिंग कर दे, लेकिन यू ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो एड ए सिनोनिम फोरकास्ट इज, या फिर फोर वर्न, पहले ही बता देना, फोर वर्न इज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू वर्ड ओमेन, पहले बता देना कि साइन ऑफ वार्निंग, फाइन। तो क्या हो जाएगा आपका, पोर्टेंट करना, फोरकास्ट करना, फोर वर्न करना, ये आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, कि बिल्कुल ही ना बताना कि फ्यूचर में क्या हो, इग्नोर कर देना उसको, है ना, नेग्लेक्ट करना या फिर अवॉइड करना, तो उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, करेक्ट। एंड द सेंटेंस इज व्हाट, आई फॉरबोडेड मिसचीफ द मोमेंट आई हर्ड, उसको पता लगे कि इसमें कुछ तो मतलब गलत किया है, द मोमेंट मैंने कुछ, मेरे को सुनाई दिया, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरबोर्ड, टू फोरटेल और प्रेडिक्ट और बी एन ओमेन ऑफ। एंड द सिनोनिम्स आर व्हाट, फोरटेल, फॉरवर्न करना, पोर्टेंट करना, ओके। एंटोनिम्स आर व्हाट, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना। एंड द सेंटेंस एज यू कैन सी, आई फॉरबोडेड मिसचीफ द मोमेंट आई हर्ड। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड टेपिड, बहुत ही अच्छा वर्ड है टेपिड, जिसका मीनिंग क्या होता है, ना ज़्यादा मतलब यू कैन से वो ल्यूकवॉर्म इज द मीनिंग, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, एकदम जो एक मतलब एवरेज टेम्परेचर जो होता है ना, जिसमें आप अपने हाथ को
पानी में डुबो सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट टेपिड. यू कैन से स्लाइटली वार्म, हल्का सा वार्म रहता है. ओके, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, स्लाइटली वार्म, दैट इज कॉल्ड टेपिड. या फिर अगर देखो एंथुसियाज्म क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा एक्सट्रीम चीज होता है एंथुसियाज्म, ठीक है, काफ़ी एक्साइटमेंट उसमें, उसको कहते हैं हम लोग एंथुसियाज्म. तो टेपिड भी एक तरह से क्या हुआ, अगर आपके पास कम एंथुसियाज्म है उसको बोलते हैं हम लोग टेपिड. ठीक है, तो इसका दो मीनिंग है, एक तो आपका ये लिटरल मीनिंग हो गया, ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या है, शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म, लेकिन वो डिराइव भी इसी से हुआ है एक तरह से, कम गर्म. ठीक है, तो क्या करेगा वो, मॉडरेट रहेगा उसका बिहेवियर, है ना, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगा. सो दैट इज कॉल्ड टेपिड, शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म या फिर स्लाइटली वार्म. आई एम, लेट्स कम टू द सिनोनिम्स. एक तो हो गया आपका लीक वार्म, नेक्स्ट इज व्हाट, एपेथेटिक. अब एपेथेटिक किससे रिलेटेड है आपके, शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म या फिर शोइंग लिटिल इमोशन. ठीक है, एपेथेटिक अगर हो गया तो आप इंडिफरेंस को भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, इनडिफरेंस, या फिर एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है परफंक्ट्री, ये भी इसको आप ऐड कर सकते हो. प्लीज इस वर्ड को लिख ले, ये आ सकते हैं परफंक्ट्री. ठीक है, परफंक्ट्री एक वर्ड हो गया. एक दूसरा वर्ड है जो इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, प्रेरोगेटिव. ऐसे वर्ड का आपका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. या फिर अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख दूँ, फ्लैगमेटिक. फ्लैगमेटिक, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को आपको मीनिंग पता होना चाहिए. ओके, परफंक्ट्री हो गया, प्रेरोगेटिव, फ्लैगमेटिक, सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए. ओके, एंड ओके, ल्यूकम इज द, ल्यूकम एक सिनोनिम हो गया, एपेथेटिक इज अनदर सिनोनिम, एंड व्हाट, मॉडरेट, एवरेज भी कह सकते हो क्योंकि एंथुसियाज्म काफ़ी है, मॉडरेट बिहेवियर आप कह सकते हो. एंड एंटोनिम्स व्हाट, बॉइलिंग, पूरा ही उल्टा. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इट्स कॉल्ड टेपिड, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे हॉट है, तो हॉट अगर चला गया तो उसको आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग कहोगे ना आप, या फिर स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, या फिर ठंडे को भी कह सकते हो आप हॉट कोल्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. या फिर एंथुसियास्टिक, क्योंकि शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म इसका एक मीनिंग है, तो एंथुसियास्टिक होना इसका एक तरह से एंटोनिम हो जाएगा. एंड द सेंटेंस इज व्हाट, यू कैन डिप योर हैंड्स इन टेपिड वाटर. ओके, यू कैन ऑलवेज डिप योर हैंड्स इन टेपिड वाटर, फाइन. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टेपिड. नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ओके, क्रेस्ट फॉलन. क्रेस्ट फॉलन मतलब क्या होता है, यू बिकम वेरी सैड, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहता है. ठीक है, यू लूज होप, जैसे कि यहाँ पे, ओके, सी इज़ वेरी सैड, इसने अपना होप मतलब खो दिया है, ठीक है, लूज कर दिया है, होता है ऐसा लाइफ में. तो इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज, सो दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट फॉलन. अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे एक तरह से, इन दिस केस व्हाट, यू आर डिप्रेस्ड, स्लाइटली डिप्रेस्ड, आप डिप्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो आप, या फिर आप क्या फील करोगे, डिसहार्टेंड. ठीक है, ओके, दिल टूट गया एक तरह से, डिसहार्टेंड हो गया, डिजेक्टेड कह सकते हो आप, अगेन द सेम थिंग, डिस्पोंडेंट. तो डिजेक्टेड एंड डिस्पोंडेंट, दीज टू आर वेरी गुड वर्ड्स. ओके, सैड होना, ओके, लॉस ऑफ होप एक तरह से, तो डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट या फिर डिसहार्टेंड, सो ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे. अब इसी में अगर इफ सी स्टार्ट स्माइलिंग, ठीक है, इफ सी बिकम जॉयस, तो वो क्या हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे. सो इन दैट केस व्हाट विल बी द एंटोनिम्स, जॉयस हो गया एक तरह से, चेयरफुल हो गया, राइट, तो जॉयस, चेयरफुल, एनकरेज्ड, है ना, डिसर्टेन, एनकरेज होगा इसका एंटोनिम, तो ये हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स. एंड द सेंटेंस इज व्हाट, ही वाज क्रेस्टफॉलन आफ्टर फेलिंग इन द एग्जामिनेशन. ऑब्वियसली इफ समबडी फेल्स इन द एग्जामिनेशन, यू विल बी व्हाट, यू विल बी डिप्रेस, यू विल बी सैड, यू विल बी डिजेक्टेड, यू विल बी डिस्पोंडेंट, यू विल बी डिसर्टेन, यू विल बी क्रेस्टफॉलन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रेस्टफॉलन. नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है नेक्स्ट. सो दिस इज द लास्ट वर्ड, इसके बाद आपका क्विज स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ एट क्विज को भी अटेंड कर लीजिए आप लोग. स्पोरेडिक, स्पोरेडिक काफ़ी कॉमन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी चीज़ अगर इररेगुलर इंटरवल में हो रहा हो. ठीक है, एक तरह से अगर मान लो कि ऐसे ऐसे, ये तो सब रेगुलर इंटरवल मान सकते हो कि भैया 10 दिन बाद, 5 दिन बाद. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2-3 को हटा दूँ, यहाँ से दो तीन हटा दूँ मैं, ठीक है, एक अभी हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है, तीसरा क्या हो रहा है कि अब हो रहा है, ये जो टाइम आपको दिख रहा है, ओके, नेक्स्ट अभी हो रहा है एक चीज़, तो यू कैन यू सी द टाइम डिफरेंस, इतना ज़्यादा टाइम, फिर कम टाइम, फिर और कम टाइम. ओके, अभी अगला जो होगा, मतलब मान लीजिए बहुत टाइम के बाद हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, स्पोरेडिक वे में हो रहा है, कि रेगुलर इंटरवल में नहीं हो रहा है, इररेगुलर इंटरवल में हो रहा है. दैट मीन्स ये क्या है, ये चीज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ये चीज़, ओके, फ्रीक्वेंट नहीं है. सो ऑकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स, या फिर आप स्कैटर्ड भी कह सकते हो, यहाँ पे अगर हो रहा है, यहाँ पे, देन अगेन एक यहाँ पे हो रहा है, फिर अगेन यहाँ पे हो रहा है, फिर अगेन यहाँ पे हो रहा है, तो दिस थिंग्स आर स्कैटर्ड, और यू कैन से दिस आर हैपनिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स, सो दैट्स वाई यू कैन कॉल इट एज वर्ड स्कैटर्ड. ऑल्सो रैंडम, डिजल्ट्री, ये सब वर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फाइन. तो सिनोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं. ओकेजनल इज द आंसर, ठीक है, ओकेजन वाइज हो रहा है,
ठीक है, हमारे जो कैलेंडर में है, तो हमारे जो फेस्टिवल्स है वो क्या स्पोरैडिक टाइप है। होली अगर मार्च अप्रैल में हो रहा है तो दिवाली कब हो रहा है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, कुछ और इवेंट ले लो वो इसके जस्ट बाद हो सकता है। तो दिस आर नॉट हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, दिस आर हैपनिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, दिस इज स्कैटर्ड, सो इनफ्रीक्वेंट हो सकता है एक तरह से, या फिर इरेगुलर हो सकता है। एंड वर्ड्स, सम वर्ड्स यू कैन आल्सो यू कैन ऐड इरेटिक भी आप एक तरह से कह सकते हो, समथिंग विच इज इरेटिक। ओके, यू कैन ऑल्सो ऐड द वर्ड, तो मैंने यही बोला था, डिजल्ट्री। डिजल्ट्री मतलब समथिंग विच इज नॉट प्लान, विच इज वॉट रैंडम। ओके, रैंडम को भी हम लोग एक तरह से हम लोग स्पोरैडिक कह सकते हैं। फाइन, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? एक तो हो गया कॉमन, अगर ये रेगुलर इंटरवल में अगर हो गया, डेली हुआ, हर दो दिन बाद हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वेरी कॉमन इन नेचर। ओके, बिकॉज इट हैपेंस आफ्टर वन और टू डेज, दैट टू इन रेगुलर इंटरवल, सो दैट विल बी कॉमन। अनदर वर्ड, वन वर्ड इज वर्ड फ्रीक्वेंट। ओके, फ्रीक्वेंट इज अनदर वर्ड यू कैन ऐड, एंड रेगुलर ऑल्सो, क्योंकि इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है सिनोनिम्स, तो इसके जो ऑपोजिट होंगे, सो ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। एंड द सेंटेंस इज वाज स्पोरैडिक फाइटिंग ब्रेक्स आउट इन द पब। पब में आप देखना कभी, अगर आप पार्टी वार्टी करने गए डिस्को विस्को में, तो वहाँ पे फाइटिंग वगैरह बहुत होता है, तो स्पोरैडिक रहता हो, हमेशा डेली नहीं होता है, इरेगुलर इंटरवल में उसका होते रहता है। सो दिस इज आर द वर्ड्स दैट यू हैव लर्न, सो लेट्स अटेम्प्ट द क्विज नाउ। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या था? कमोशन। कमोशन मैंने आपको क्या बोला था? डिस्टर्बेंस, रकस, ट्यूमल्ट, इफ यू कैन रिमेंबर। ओके, क्लैमर, तो नॉइजी डिस्टर्बेंस, उसको कहते हैं हम लोग कमोशन कहते हैं। सो द आंसर हियर इज व्हाट, रकस इज द आंसर, फिफ्थ इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में हम लोग क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। हम लोग क्या करते हैं? फोरटेल करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, फॉरवर्न करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। सो द आंसर हियर इज व्हाट, फोरटेल इज द आंसर। नेक्स्ट टेपिड, अभी हमने पढ़ा था कि ना ज़्यादा ना गर्म, ठीक है, एकदम ल्यूक वार्म उसको कहते हैं, या फिर नॉट शोइंग एंथुसियाज्म, उसको भी हम लोग टेपिड बोलते हैं। सो द आंसर इज वट, ल्यूकॉम इज द आंसर। यू कैन ऑल्सो एड द वर्ड एपेथेटिक, विच यू हैव डिस्कस, क्योंकि ये और भी एक मीनिंग कैरी करता है, हैविंग लेस एंथुसियाज्म। सो प्लीज एड द वर्ड एपेथेटिक, एज आई ऑलरेडी सेड। यू कैन ऑल्सो एड द वर्ड इंडिफरेंस ऑल्सो, एंड परफंक्ट्री, एज आई ऑलरेडी मैंशन। सो दिस अ वेरी गुड वर्ड्स, एंड अलॉन्ग विद दोज टू वर्ड्स आई हैव ऑल्सो रिटन टू वर्ड्स ऑफ विच आई थिंक यू शुड फाइंड द मीनिंग। वन इज प्रेरोगेटिव एंड द अदर इज वर्ड फ्लेगमेटिक। So these are very good words. Please find out the meaning and write down your notebook. Next word, crestfallen. Crestfallen, we have discussed. Crestfallen is what? A person who is, we are talking of a situation when a person feels that he had lost all his hope, courage you can say. So that particular situation we can call it as crestfallen. So the answer is what? Depressed. Okay, you can add the word dejected, despondent, and disheartened. So those words you can add. So that will be what? Despondent is the answer. And along with despondent, please write down dejected, depressed, disheartened. Okay. Next, the last word which you have just discussed, sporadic, that means what? Happening at irregular intervals. That means irregular, you can say, infrequent you can say. And also you can add, I have already mentioned, erratic you can say, desultory, unplanned. So the answer here is what? Occasional is the answer. Okay guys, theek hai? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज मेंशन योर स्कोर आल्सो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज शेयर गाइस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।